क्या नाम है? जुहेब। जुहेब, आप क्या लगते हैं रिश्ते में? भाई लगते हैं। जुहेब, जब ये वकुआ हुआ है, आप पास ही थे, क्या हुआ है जुहेब? कुछ नहीं, बैठे थे अपने कमरे में, हम सब बैठे थे। और गेट बंद किया होता है, एसी लगाया, तो बस बैठ के बातें कर रहे थे। अच्छा। बस एकदम से वो आवाज़ एक अजीब सी है, तो मैंने थोड़ा सा खोला, बाइट से सारा जितने भी स्पार्क इसका आग का जितने भी सारी हमारे अंदर आग, तो उसको नीचे खोलने के लिए भागा हूँ। अच्छा। सबको दरवाजे में बंद किया, नीचे की तरफ भाग गया। बंद कर दिया कमरे में सबको? सबको भाई ने कहा जाओ, तुम गेट खोलो, मैं इनको लेकर आता हूँ, तुम गेट खोलो। गेट को ताला लगा हुआ था, उसको खोलने में टाइम लग गया। खुल गया था ताला, चाबी मिल गई थी, थोड़ा था साथ मोहल्ले वालों की मदद से नीचे से हैमर मंगवाया, उसको हैमर से तोड़ा था। अच्छा, जब ताला तोड़ने में कितना टाइम लग गया? कोई पता नहीं, कोई 10-15 मिनट तो लगे होंगे ना? चंद सेकंड लगे हैं। ओए होए होए, तो फिर उस दौरान फिर बच्चों को लेके बाहर निकलने में कामयाब क्यों नहीं हुए? जब तक उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, उनकी आवाज बंद हो गई थी। आवाज बंद हो गई, आप ऊपर की तरफ, छत की तरफ चले जाओ। अच्छा। अब रूफ को टच करो। ठीक है। तो रूफ को टच करने में हम लोग, जब उनकी आवाज बंद हुई, हम लोग साथ वाले घर से फिलहाल कर वहाँ पर गए, हमने वो ऊपर से वो दरवाजा तोड़ा। हाँ हाँ। चार पांच लड़कों ने मिलके, तो वो सारी गया, फिर आग हमारे ऊपर, वो यानी कि बीच में आग, सेंटर में आ गए थे, हर तरफ आ गई आग थी। बहन भी आपकी आई हुई थी? मेरी बहन भी आई थी, चार बच्चे थे उसके। चार बच्चे थे, कितने कितने? 16 साल का, 14 साल का, 12 साल का, 9 साल का। वैसे मायके आई हुई थी मिलने के लिए आप लोगों को? हमारे पास रहने के लिए। ओहो, बच्चे भी चले गए। वालिद साहब का क्या हाल है? वालिद साहब ठीक है? जाहिर है ये दुख ऐसा है, ये घड़ी ऐसी है कि इंसान को सब्र तो नहीं आता ना, अपने प्यारों को वो जब अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो ही जान सकता है। कुछ कहना चाहते हो? कोई आला हुकाम से मुतालिबा है? क्यों, कोई मुतालिबा? कुछ भी नहीं। अपनी जात का नुकसान अपनी जात से। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर वाले, वालिद साहब हैं आप, इस घर में कितने लोग रहते हैं? टोटल 12। 12 लोग रहते हैं। कब से रहते हैं इस मकान में आप? 8 साल हो गए। 7-8 साल। 8 साल हो गए। पहले भी कभी कोई ऐसा ना खुशगवार वाकया इस मोहल्ले में, गली में, इस जगह पर पेश आया है? नहीं, मुझे नहीं, नहीं हुआ। क्या आप कहाँ थे उस टाइम जब ये सारा वकुआ हुआ है? मेरी वालदा निश्तर का लोग। अच्छा जी। वो भी अकेली है, मैं एक ही बेटा हूँ उनका। ओहो। उन्होंने बुलवाया था, 3 दिन हो गए उनको अटैक आया था। अच्छा। मैं अपनी माँ के पास चला गया। सही है। मैं ज्यादातर अक्सर माँ के पास ही रहता था। ठीक है। आपकी बेगम और बच्चे इस घर में रहते हैं? क्योंकि जवान जन बेटे हैं उनको। ठीक है, ठीक है। मैंनु 2:05 से फोन आता है मेरी मालदार। अच्छा जी। के दादी कार आग लग गई। ओए होए। थले कमरे से। ठीक है। मैंनु मेरी माँ ने आवाज दी, वह थले उतरे आवे, जल्दी आ जा। मैं बेटा उतरिया थले, उतो मोटरसाइकिल कटी गए मेरे भांजे ने। ठीक है। मैं उसके पिछे बैठा। अच्छा जी। जनरल अस्पताल के कोल आया तो मेरे बेटे की मैनू कॉल आई। बेटे की फोन आया है? ठीक है, कॉल आई। वकील साहब। ठीक है। कहंदा अबू, ओए अबू यार किथे रह गए, ओए बच्चे बचा ला। अच्छा। बस बस मैं आया। जब आप पहुंचे हैं क्या देखा आपने? देखा कि गड्डियां 2 आईयां ने, पानी वाली, पानी वाली 1122। अच्छा जी। ये मार रहे ने पानी फटाफट। ठीक है। मैंने कुछ नहीं देखा बेटा। अच्छा। मैंने रुमाल बांधा और मैं ऊपर चढ़ गया। ठीक है। जब मैं कमरे में गया हूं ना, अंदर नहीं जा सका, धुआं बहुत था, बंपर था आग का, आग जल रही, भड़क रही थी। ठीक है। मैंने देखा, मैं को खो, ये तो फर्नीचर भी सो हो गया, तो बच्चे कितने बचे हुए। फिर मैं उतले कमरे च गया। अच्छा जी। उथे भी आग दे बंबर। ठीक है। वो को पठान बच्चे ने, उन्होंने मेनू जबरदस्ती चुकया ते मेनू कोठे दे उते छत पे ले गए। छत पे। अच्छा। उन्होंने क्यों ओते च होना च हो गया, तुसी क्यों मरना चाहते? मैं कहा मैं केड़ा जिंदा हूं,
जिते पोतरी ते पोतरे चले जान, नवासियां नवासे चले जान, चार जवान बेटी चली जाए, उस बाप का क्या हाल है? नहीं की कह सकता, मेरी कोई जिंदगी नहीं। सारा खानदान चला जाए, नस्ल खत्म हो गई। सिर्फ दो बेटे जिंदा है, एक जो इधर से बचा जी, एक बाहर है वो आ रहा है। तीन बेटे दो बेटियां थी। पहले मैं अपनी माँ के घर में एक बेटा और तीन बेटियां। ठीक है, कोई मुतालबा है आपका, कोई उम्मीद है? अल्लाह ना करे आज आपका खानदान बलि चढ़ा, कल कोई और खुदा ना खास्ता इसी मोहल्ले इसी जगह से या आसपास से, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन एहतियात जरूरी है जी जी, अल्लाह ना करे, एहतियात जरूरी है जी बेटा। आफत जब आती है तो बता के नहीं आती ना। अक्सर इधर ऐसा होता है, माइक पकड़े जी, अक्सर इधर ऐसा होता है कि रात को मियां हामिद मुनीर, मैं साहब का काउंसलर हूँ, अच्छा जी, और इनका भाई हूँ, ठीक है। एक्चुअली अक्सर लाइट जाती है, जब लाइट एकदम से आती है ना है? तो हमारे घरों से चिंगारे निकलते हैं, बाजुका छः छः एनर्जी सेवर जो हैं वो जल जाते हैं। अच्छा, मोटर अगर चल रही है तो वो जल जाती है। कभी माडा के दफ्तर कोई एसडीओ कोई एक्सीएन कोई बात नहीं, बेपनाह इख्तिजाज किए हैं, बड़ा लिख के दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं। अच्छा। अंधेर नगरी चौपट राज है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये स्पार्क होने से हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब लाइट जाके आती है ना तो किसी ना किसी घर से एनर्जी सेवर जो होता है वो फट जाता है, ठीक है। इतनी ज्यादा लाइट आती है कि अक्सर फ्रीजर फ्रिज और मोटर तो अक्सर लोगों की डेली खराब होती है, जल जाती है, जल जाती है। ठीक तो है। ये हादसा भी ऐसे ही हुआ है, लाइट जाके आई है, स्पार्क हुआ है, तो वो घर में किसी फर्नीचर के ऊपर चिंगारी गिरी है, वो शोला बन गई है, ठीक है। वो जब फ्रीजर तक गई है तो उसका कंप्रेसर फट गया है, जाहिर है गैस है उसके अंदर, फ्रीजर के ऊपर स्टेबलाइजर था वो फट गया है, तो जाहिर है वो फिर आग इतनी भड़की है कि वो संभाली नहीं जा सकी, संभाली नहीं गई। और ये जो भाई मेन तारे हैं, अक्सर जब आंधी आती है या हवा आती है तो ये आपस में टकराती हैं। जब ये तारे आपस में टकराती हैं तो गरीबों का बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल इसलिए हो जाता है कि कई लोगों की फ्रीजर जल जाते हैं, बल्ब जल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, माइक दीजिएगा, शुक्रिया आपका। मुझे बताएं अब डेड बॉडीज आप लोगों को मिल रही हैं, दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दे रहे हैं। कहाँ है? म्यू अस्पताल, मुर्दा खाने जमा कराई है। रेस्क्यू वालों ने या पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने, रेस्क्यू इकट्ठे थे ये लोग, तो आप गए हैं वहाँ पर लेने के लिए? मेरा बेटा गया था। अच्छा, और भी गए हैं, ये भी गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कब्रें निकाल दी हैं। अच्छा जी, क्योंकि वो घर लाने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि कटी हो गई हैं। मैं क्या उधर से ही इनको कफन दफन करके उधर से सीधा हम कब्रिस्तान ले जाएंगे, उधर नमाज़ें जाना था अपना। अस्पताल से उधर कब्रिस्तान में जनाज़ा। अल्लाह आपको हौसला दे। बेटा की हौसला, क्या हौसला? सही कह रहे हैं आप, यकीन करो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे मर गए। सात महीने का छोटा सा गोद का जी। वो मैंने जब देखा ना ले गए हैं, वो मंजर हम आपको बता नहीं सकते। वो बच्चे ऐसे सा जैसे चिड़गा बन गया होता है ना, ऐसे बच्चा था वो, और इतना मासूम इतना प्यारा बच्चा, बिल्कुल दिमाग उसका बाहर आया हुआ था, और ऐसे जैसे लाइक ब्रोस्ट आप लगा लें। और उन्होंने निकाला कि दोनों बेटी और बेटा
माँ की गोद में डेथ और माँ की भी उधर ही डेथ। सर मैं तुझे यही सोचता हूँ कुछ टाइम मेरे बच्चे ने की दिल चाहता होगा, मुझे ये सोच ही नहीं जा रही। जाहिर है बाप के लिए बहुत मुश्किल है बेटा, वो जड़ी पोतरी सी ना। किसी आला हुकाम ने राब्ता किया है? आ रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, तस्वीरों के अलावा आनी भी आए थे वो कबीर ताज आए थे हमजा साहब के सेक्रेटरी, वो कह रहे जी हमजा साहब आ रहे हैं। क्या करेंगे आके? दो चार तस्वीरें या ये तारें, सस्ती शोहरत या शोहरत।